ज्यादा बातूनी शख्स इलम की तरफ कम तवज्जो देता है। जो शख्स तहसील इलम की मुश्किलात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, उसे जहालत की सख्तियां बर्दाश्त करना पड़ती हैं। झूठ बोलने का नुकसान यह है, अगर उसके बाद तू सच भी बोलेगा तो कोई शख्स तेरी बात को बावर नहीं करेगा। खामोशी सबसे ज्यादा आसान काम और सबसे ज्यादा नाफे आदत है। फजीलत के लिए सिर्फ इस कदर जान लेना ही काफी नहीं कि वो क्या शे है, बल्कि इससे ज्यादा चीजों की जरूरत है। कोई शख्सियत उस वक्त तक अजीम नहीं बनती जब तक उसमें पागलपन का खमीर ना हो। औरतों के लिए ये बात गैरफित्री है कि वो बहादुर हों या किसी मसले पर दलाइल के साथ बहस कर सकें। किसी के ऐब मत तलाश करना ताकि कोई दूसरा तेरे अयूब को तलाश न करे। गुस्सा हमेशा बेवकूफी से शुरू होकर शर्मिंदगी पर खत्म होता है। कोई अगर तेरे हक में बदी करे और तू किसी के हक में नेकी करे तो दोनों बातों को फरामोश कर दे। जब इंसानी इखलाक में से कोई खल्क हद इतेदाल से मुतजाविज हो जाए तो उसको इतेदाल पर लाने की तरकीब यह है कि उसकी जिद की जानिब मेलान इख्तियार किया जाए।